लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम अब अपने बचे हुए पावर्स को लुशियन को देने लगते हैं, जिसे फील करते हुए लुशियन कहता है कि ये पावर्स तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फट जाऊंगा। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि फोकस करो, इन स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली ग्रो होगी। जिस पर लुशियन भी अब फोकस करते हुए इन सारी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद लुशियन फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और खोलते हुए कहता है कि क्या मैंने सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन तुमने मेरे सारी स्पेशल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे लगा कि तुम मेरे 50% या फिर 60% पावर्स को ही एब्जॉर्ब कर पाओगे। वाकई में तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के मैं काफी इंप्रेस हो गया। जिस पर अब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम अपने पास में से एक और पर्ल को निकालते हुए कहते हैं कि इसे तुम मेरी ओर से एक गिफ्ट समझो। अगर कभी एक सेलेस्टियल रियलम के कल्टीवेटर से भी तुम्हारा आमना सामना होता है तो मुझे यकीन है कि इसकी हेल्प से तुम उसे डिफीट कर पाओगे। जिस पर लुशियन इस पर्ल को लेते हुए थैंक यू सो मच सीनियर कहता है। तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वेट अ मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और ये कहकर ये सुप्रीम अब एक स्क्रोल को अपेयर करते हुए कहते हैं कि ये मेरा ड्रैगन डिवाइन टेक्निक है, इसे अगर तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाए तो फिर तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिस पर लुशियन इस टेक्निक को भी लेते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मुझे इतना कुछ दिया, अगर आपकी कोई आज्ञा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ तो प्लीज मुझसे कहिए। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी आज्ञा नहीं है, बस मेरे विलेज को लेकर एक छोटी सी इच्छा है। जिस पर लुशियन कहता है कि प्लीज कहिए। तब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गए तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे होम टाउन में जाके मेरा रिवेंज लो। मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं इविल ब्लड क्लैन के लोगों को खत्म कर सकूं। जिस पर लुशियन कहता है कि सीनियर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि फ्यूचर में मैं आपका रिवेंज जरूर लूंगा। तब ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बॉडी में अपने सोल के एक छोटे सेंस को छोड़ जाता हूं। जब मुझे लगेगा कि तुम इतना पावरफुल हो चुके हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम मेरे होम टाउन तक कैसे पहुंचोगे, और अगर तुमने अपने प्रॉमिस को सक्सेसफुली फुलफिल कर दिया तो उसके बाद तुम्हें मैं एक और सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम एक कंप्लीट पावर हाउस बन जाओगे। और इतना कहते कहते व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम अब डिसअपीयर होते हुए कहते हैं कि ये टास्क बहुत ही मुश्किल है, अगर तुम इसे नहीं कर पाओगे तो फिर छोड़ देना, मगर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम एक मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाओगे। जिस पर अब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम के डिसअपीयर हो जाने के बाद लुशियन इन दोनों रिवॉर्ड्स को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब यहाँ पे नाइनिची आती हुई कह रही है कि इस प्लेस में जितने भी ट्रेजर थे मैंने उसे इकट्ठा कर लिया है, शायद इसके बदले हमें 2 मिलियन पॉइंट्स तो आराम से मिल जाएंगे। और फिर नाइनिची कह रही है कि बताओ अब आगे का क्या प्लान है। जिस पर लुशियन कह रहा है कि शायद मुझे इस प्लेस में थोड़ी कल्टीवेट करनी चाहिए। तब नाइनिची कह रही है कि कहाँ कल्टीवेट करोगे, इस प्लेस का थंडर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, देखो काले बादल बिल्कुल छट से गए हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। जिस पर लुशियन कह रहा है कि ठीक है चलो अब 8th फ्लोर में चलते हैं। तब नाइनिची कह रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम 8th फ्लोर के गेट को ओपन कर पाओगे। जिस पर लुशियन अब अपने नए पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि 8th फ्लोर को ओपन करने में मुझे कोई परेशानी होगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों आते हुए कहते हैं कि ये प्लेस तो 7th फ्लोर से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पे आसपास थंडर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब नाइनिची कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। और फिर नाइनिची किसी और देख के बहुत ही शौक हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरफ जाती हुई कहती है कि लुशियन मुझे फॉलो करो। तब ये दोनों एक लेक के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए नाइनिची अब बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि लो थंडर इस पानी में है, और इतने बड़े लेक में ना तो हमें थंडर स्पेशल पावर्स की कमी होगी और ना ही ट्रेजर्स के। जिसके बाद नाइनिची अब बहुत ही एक्साइटेड होते हुए सीधे इस लेक में कूदने लगती है। जिस पर लुशियन नाइनिची को पकड़ती हुई कहता है कि मेरी माँ रुक जाओ। तब नाइनिची कहती है कि गधे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिस पर लुशियन कहता है कि उधर देखो वहाँ पे कोई है। तब इधर हम देखते हैं कि सिले के बीचों बीच में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है, जो इन लोगों की ओर बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था। जिस पर नाइनिची कह रही कि हमारी इतने करीब है लेकिन फिर भी मैं इसके ऑरा को फील क्यों नहीं कर पाई। तब लुशियन कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी इसके ऑरा को फील नहीं कर पाया, आखिर ये किस टाइप का पर्सन है जो सामने होते हुए हम इसके ऑरा को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि एक बच्चा और एक एंशिएंट हेवनली बर्ड तो तुम ही लोग जिन्होंने 7th फ्लोर के रूल को ब्रेक करने की कोशिश की, इतना ही नहीं बस एक सुप्रीम के ट्रेजर को ब्रेक करने के लिए तुम लोगों ने 7th फ्लोर के सारे थंडर को यूज कर लिया। तब ये सब सुनकर लुशियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ओल्ड मैन नाइनिची को देख सकता है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोगों ने 7th फ्लोर में एंटर करने के बाद जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे पता है, मेरी नजरों से कोई भी चीज छुपी नहीं है। तब ये सब सुनकर लुशियन इस ओल्ड मैन को ग्रेट करते हुए कहता है कि सॉरी सीनियर, हमें नहीं पता था कि ऐसा करना रूल के खिलाफ है, और अब चूंकि हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है इसलिए हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। तब नाइनिची अब फॉर्म में आते हुए कहती है कि ओल्ड मैन, हम मानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन वहाँ पे कोई साइन बार या फिर नोटिस चिपका हुआ नहीं था जिसमें ये लिखा हो कि ऐसा करना रूल के खिलाफ है। और फिर नाइनिची लुशियन से कहती है कि मैं इसे बातों में फंसाती हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकलने का कोई इंतजाम करो। जिस पर लुशियन भी अब अपने हाथों को पीछे करके अपनी पावर्स को अपेयर करने लगता है।
तब ये ओल्ड मैन अब बहुत ही हंसते हुए कह रहे कि तुम दोनों कितने पछकाने हो, क्या तुम लोगों को ये सच में लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर ये ओल्ड मैन कह रहे हैं कि नैन यूजे तुमने अपने ब्लड को इस कमजोर लड़के से लिंक किया है, इसके बावजूद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ओल्ड मैन के सामने शो ऑफ करना चाहिए। जिसे सुनिए लुशियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इसे तो हमारे बारे में एक एक चीज़ पता है, आखिर ये पर्सन है कौन। और फिर लुशियन इस ओल्ड मैन को ग्रेट करते हुए कहता है कि हम लोगों ने जो कुछ किया है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, क्या सीनियर के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। तब ये ओल्ड मैन अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि वेल आखिर मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ। जिस पर लुशियन कहता है सीनियर इतना क्यों सोच रहा है, अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों के साथ एक छोटा सा गेम खेलूँ। जिसे सुनकर नाइन यूजी और लुशियन एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि कौन सा गेम। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि लड़के अगर तुम मेरे एक अटैक को झेल लेते हो तो आज तुम लोगों ने जो भी गलती की है उसे मैं भूल जाऊंगा। इसके अलावा तुम लोग इस थंडर लेक में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और इतना ही नहीं मैं तुम लोगों को एडिशनली कुछ गिफ्ट्स भी दूंगा। जिसे सुनिए नाइन यूजी बहुत ही खुश होते हुए कह दी कि क्या बस इतनी सी बात, हम लोग रेडी हैं। तब ये ओल्ड मैन कह दे कि अभी तक इस प्लेस में सिर्फ दो ही ऐसे पर्सन आए थे जिन्होंने मेरे अटैक को झेला था। जिस पर लुशियन कह दे कि वो दो पर्सन जरूर सीनियर शेंग फेंग और सीनियर ली तोंग है। तब ये ओल्ड मैन कह दे कि बुढ़ापे के साथ मेरी मेमोरी भी अब कमजोर होने लगी है, इसीलिए उन सारी बातों को छोड़ो और चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं। जिस पर नाइन यूजी कह दे कि इसका पहला अटैक चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही लूंगी। तब ये ओल्ड मैन अपनी उंगली से एक छोटे से पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि सॉरी बर्ड लेकिन तुम सिर्फ खड़े होकर देख सकती हो। जिस पर इस ओल्ड मैन की इतना कहते हैं नाइन यूजी एक प्रिज्म में कैद हो जाती है। और फिर ये ओल्ड मैन लुशियन से कहता है कि बच्चे क्या तुम रेडी हो। जिस पर लुशियन कहता है कि सीनियर मुझे जान से नहीं मारेंगे, क्या मैंने सही कहा। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे से बच्चे को मार के मैं क्या करूंगा, लेकिन हाँ तुम हॉस्पिटलाइज जरूर हो जाओगे। जिस पर लुशियन अब आसमान की ओर जाते हुए अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि सीनियर मैं रेडी हूँ। तब ये ओल्ड मैन हंसते हुए लुशियन की ओर एक अटैक को भेज देते हैं जो कि नाइन यूजी फैमिली का ही सबसे पावरफुल अटैक नाइन नीदर फ्यूरियस बर्ड था। जिसे देखे नाइन यूजी चिल्लाते हुए कह दे कि लुशियन पीछे हटो, इस अटैक के सामने तुम अभी नहीं टिक सकते। और अब ये ओल्ड मैन इस अटैक को लुशियन की ओर करते हुए कह दे कि लगता है ये खेल अब खत्म हुआ। जिस पर लुशियन कहता है कि इतनी जल्दी कहा। जिसके बाद लुशियन तुरंत ही यहाँ पे अपने सीक्रेट टेम्पल को अपेयर कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।